नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेलों में बंद सभी कैदियों को लगेगी कोविड वैक्सीन। अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज। नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की है तैयारी। 15 मई तक नहीं बनवा सकते हैं अपना पासपोर्ट। देश भर में आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जेलों में बंद सभी कैदियों को लगेगी कोविड वैक्सीन। बिहार के जेलों में बंद कैदियों को भी कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने की कवायद में टीका लगाया जाएगा और इसके लिए सभी कैदियों के टीकाकरण का काम पूरा करने के लिए 10 मई तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आज से टीकाकरण की शुरुआत भी कर दी गई है और पटना के बेऊर जेल में बंद कैदियों को टीका लगाने का काम शुरू भी हो गया है। इसके लिए केंद्रीय आदर्श बेऊर कारा को 300 कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई गई है। साथ ही बेऊर जेल में 300 बंद कैदियों का आधार कार्ड भी जमा कराया गया है। इस क्रम में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले कैदियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेऊर प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है। अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज। सूबे में आने वाले 4 दिन आंधी बारिश के लिहाज से भारी पड़ने वाले हैं। राज्य के कई जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा आने वाले 3 मई तक के लिए अलर्ट को जारी किया गया है। इस दौरान अलग अलग हिस्सों में बारिश और आंधी चलने की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही कल यानी कि 1 मई से इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना सहित कई जिलों में तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पटना के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 500 बेड की क्षमता रखने वाले ESIC अस्पताल में शुरू हुआ 100 बेडों पर इलाज। पटना के बिहटा स्थित ESIC अस्पताल 500 मरीजों के इलाज की क्षमता रखने के बावजूद भी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी का दंश झेल रहा है। पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आज से यहां 100 बिस्तरों पर ही कोविड मरीजों के लिए इलाज शुरू हो रहा है। आपको बताते चले कि बिहटा का ESIC हॉस्पिटल DRDO के अधीन चलता है। DRDO की तरफ से पहले ही साफ किया गया है कि वह अस्पताल में 500 बिस्तरों की सुविधा देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को यहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराने होंगे। वहीं पहले से यहां 50 बेडों पर इलाज आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। अब राज्य सरकार की तरफ से यहां पर 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल शुरू करने जा रही है, जिससे यहां कुल 150 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की है तैयारी। नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की है तैयारी। बिहार में CM के आदेश के बाद बीते दिन से ही नाइट कर्फ्यू के समय को बदलकर शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर दिया गया है। वहीं अब इसको लेकर प्रशासन और भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे कि जो भी रात में कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर FIR भी दर्ज किया जा सकता है। आपको बताते चले कि राज्य में 19 अप्रैल से ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसके तहत तब से लेकर अब तक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में 28 लोगों पर FIR दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 50 लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। राज्य में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके लिए गृह विभाग ने सभी जिलों के DM और SP को सख्ती से नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान इमरजेंसी और निर्धारित सेवा को छोड़कर बाकी लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। विधायक की फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर रुपये मांगने का मामला आया सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आए दिन ही किसी की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रुपये मांगने के कई मामले देखे गए हैं, मगर इस बार हैकरों ने भागलपुर के पीरपैंती सीट से विधायक ललन कुमार को अपने निशाने पर लिया है। जानकारी के मुताबिक विधायक के नाम से किसी ने फर्जी आईडी बनाकर उनके दोस्तों से मैसेंजर पर मित्र के एक्सीडेंट होने की बात बताकर पैसे की मांग की और फोन पे से ट्रांसफर करने को कहा। कई लोगों को मैसेंजर पर यह मैसेज आने के बाद लोगों ने इसकी सूचना फोन पर विधायक को दी, जिसके बाद विधायक ने ऐसे किसी भी मैसेज करने से इनकार किया, जिसके बाद विधायक ललन कुमार ने अपना फेसबुक आईडी भी ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनका फोटो लगाकर फेक आईडी बनाकर कोई यह काम कर रहा है। उन्होंने लोगों को इस तरह के मैसेज से सतर्क रहने की बात कही। साथ ही इस मामले को IT सेल पटना में शिकायत दर्ज किया है। राज्य में ऑक्सीजन प्लांटों की रिफिलिंग क्षमता से आ रही है परेशानियां। अगर आपको कहा जाए कि बिहार में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है तो शायद एक पल के लिए आप भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि हर तरफ से इसकी कमी ही मुद्दा बनी हुई है। मगर यही सच है, बिहार में तरल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है भी तो वह है रिफिलिंग प्वाइंट की। जी हाँ, अपने बिहार में जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्वाइंट है उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वहां बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो सके। बता दें कि एक टैंकर की अधिकतम क्षमता 18 टन की होती है, जिससे 16
500 सिलेंडर भरे जा सकते हैं और बिहार में जो भी रिफिलिंग प्वाइंट अभी हैं उनमें कुछ ही इस श्रेणी के हैं जिनकी औसत रिफिलिंग क्षमता 2000 सिलेंडर रिफिल करने की है, शेष इससे कम क्षमता वाले हैं। राज्य में कई दिन 12 टैंकर भी पहुंचे पर रिफिलिंग क्षमता की वजह से परेशानियां हुई। वैसे इस वक्त मांग के हिसाब से ऑक्सीजन का सप्लाई सामान्य ही बताया जा रहा है। 15 मई तक नहीं बनवा सकते हैं पासपोर्ट। राज्य के किसी भी डाकघर में आज से लेकर 15 मई तक पासपोर्ट केंद्र से पासपोर्ट बनाने का काम नहीं होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पासपोर्ट केंद्र 15 मई तक बंद रहेंगे। यह आदेश बिहार के अलावे उन राज्यों में भी लागू हो सकता है जहां कोरोना केस की संख्या अधिक हो रही है। वहीं डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसी स्थिति आगे तक बनी रहने पर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जिन लोगों ने पासपोर्ट के लिए आज से पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। राज्य में जल्द ही शुरू होंगे 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की बात कही गई है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके तहत राजधानी पटना में पहाड़ी एसटीपी समेत गोपालगंज, छपरा और सोनपुर में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल्द ही पूरा करने की बात अधिकारियों से कही गई। पहाड़ी एसटीपी का काम 90% तक पूरा हो चुका है जबकि 29 करोड़ की लागत से बन रहे सोनपुर एसटीपी का काम 80% तक पूरा हो गया है। वहीं इस बाबत अधिकारियों ने कहा कि लगभग 244 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन छपरा एसटीपी का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं गोपालगंज एसटीपी का काम 20 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के कारण बंद पड़े हैं अधिकतर मंत्रियों के घर के दरवाजे। जहां एक तरफ सामान्य दिनों में नेताओं और मंत्रियों के घरों पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था और नेता मंत्रीगण भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने दर को खुला रखा करते थे, वहीं अब इन आवासों पर सन्नाटा सा पसर चुका है। मुख्यमंत्री आवास में पहले से ही आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है मगर यहां सीएम के आदेश से बुलाए गए लोग ही आते जाते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास में प्रवेश के लिए छोटा दरवाजा हमेशा खुला रहता है तो वहीं मानव संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पूरी तरह बंद रहता है तो दूसरे का छोटा दरवाजा खुला रहता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास का प्रवेश द्वार पहले भी बंद रहता था फिर भी लोग सुबह से भीड़ लगाए रहते थे। इन दिनों लोगों के नहीं आने के कारण दरवाजा कम ही खुलता है मगर आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों की चहल पहल रहती है। डॉक्टरों के सामने जा प्रमुख पप्पू यादव ने जोड़े हाथ। राज्यभर में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच विपक्षी पार्टियां भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए तत्परता से विभिन्न अस्पतालों और मरीजों पर नजर बनाए दिख रहे हैं। इस क्रम में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव एक बार फिर से आधी रात को NMCH पहुंचकर मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाते हुए भी दिखे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुहार लगाते हुए डॉक्टरों से कहा कि आपसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है, आप लोग ठीक से काम करते रहें तो सब कुछ ठीक होगा। वहीं डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की समस्या की शिकायत पप्पू यादव के सामने रखी जिस पर उन्होंने कहा कि वे NMCH में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उनकी कोशिशों से ही वहां ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाया है। DMCH के खामियों को बताने वाले संक्रमित मरीज की हुई मौत। बीते दिन 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज द्वारा बना वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें संक्रमित मरीज अजीत शर्मा ने अस्पताल की खामियों और बदहाल व्यवस्था को उजागर किया था। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि सुपौल निवासी संक्रमित मरीज अजीत शर्मा ने बुधवार देर रात कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें कोरोना के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर भी था। वहीं दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन ने अस्पताल प्रशासन से अजीत शर्मा की हेल्थ बुलेटिन जारी करने को कहा है। इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नवादा में 4 दिन के लॉकडाउन के फैसले को प्रशासन ने लिया वापस। नवादा में बढ़ते संक्रमण को लेकर DM यशपाल मीना ने 4 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था जिसे अब वापस ले लिया गया है। अब राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत ही जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। हालांकि दुकानें अल्टरनेट व्यवस्था के तहत ही खोली जा सकेंगी, यानी कि जिन दुकानों को जिस दिन खोलने का आदेश जारी है उसी व्यवस्था के तहत दुकानें खुलेंगी। वहीं शाम 4 बजे हर हालत में दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने व बेवजह आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आज 34 साल के हो गए भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज वे 34 साल के हो गए हैं। 1987 में आज ही के दिन रोहित का जन्म नागपुर में हुआ था। रोहित शर्मा ने 14 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपनी पहचान एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में बनाई है जिसके बल्ले ने कई नए रिकॉर्ड बनाते आए हैं, इसलिए उन्हें हिटमैन के नाम से भी बुलाया जाता है। जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना
डेब्यू मैच खेला था जिसमें शतक के लिए उन्हें 3 साल इंतजार करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने 2010 के जिम्बाब्वे दौरे पर लगातार 2 शतक लगाकर इस इंतजार को खत्म किया। फिलहाल रोहित शर्मा आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सोनू सूद ने सरकार से की खास अपील। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना की दूसरी लहर में भी एक बार फिर से जरूरतमंद लोगों की मसीहा बनकर खड़े हैं। वह लगातार लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं और दूसरों को भी आगे आकर लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने सरकार से अपील, एक खास चीज के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने सरकार से उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की अपील की है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। सोनू ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा निजी या सरकारी स्कूल में हो, स्नातक की डिग्री हो, मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी स्तर पर इनकी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो सके। देश भर में आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। पूरे देश में रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं कि यह मामला एक दिन में 4 लाख केस देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कुल 3,498 लोग कोरोना बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,87,54,925 पर पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना के अभी 31,69,169 एक्टिव मरीज हैं और अब तक कुल 1,53,69,362 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 13,089 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 10,926 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है जो कि 1,08,21 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा 6 बजे शाम में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला बढ़ते संक्रमण को रोकने में मददगार साबित होगा या नहीं। आप अपने जवाब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।